इंदौर सहित पूरे देश में आज स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं आज के इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में इंदौर में भी गंगवाल बस स्टैंड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर ने शामिल होकर विवेकानंद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में भाषणों, जुलूसों, सेमिनारों के साथ साथ बीजेपी में रैली निकलती है। वहीं आज विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर राजमहल्ला चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई पार्षद और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं महापौर ने इस दौरान विवेकानंद के आदर्श और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील भी लोगों से की। आज युवा मोर्चा इंदौर महानगर का प्रत्येक नौजवान राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर भगवा ध्वज और भाजपा के ध्वज लेकर मैराथन के माध्यम से सड़कों पर उतरा है। उनके विचारों को अपने जीवन पर आत्मसात करने के लिए ही आज युवाओं के प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी एक युवाओं के आदर्श रहे हैं। कैसे युवाओं की भूमिका होना चाहिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विचारों को लेकर आज दौड़ लगाने का आज के इस हमारे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश की महामंत्री, युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की प्रभारी, राज्यसभा सांसद सम्मानी कविता पाटीदार जी, इंदौर महानगर के प्रथम युवा लोकप्रिय महापौर सम्मानी पुष्यमित्र भार्गव जी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हम सबके अभिभावक सम्मानी जयपाल जी, चावड़ा जी भाई साहब, सम्मानी भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वय सम्मानी वधु वर्मा जी, सुदर्शन गुप्ता जी और वरिष्ठ पार्षद और बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सौगात मिश्रा अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा।